अखबार में शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। रुख करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में तीसरी लहर का लेंगे जायजा, जिला प्रशासन मुस्तैद। गोरखपुर में पहली बार मिले व्हाइट फंगस के लक्षण वाले 3 मरीज, डॉक्टरों की बड़ी चिंता। कानपुर में ब्लैक फंगस के किसी भी रोगियों में फेफड़ों तक नहीं पहुंचा संक्रमण, सैंपल सर्वे में सामने आई ये बड़ी बात। छत्तीसगढ़ के थप्पड़बाज कलेक्टर की जगह चार्ज संभालेंगे हरदोई के गौरव कुमार सिंह। उन्नाव में सब्जी विक्रेता की हत्या के मामले में कोतवाल लाइन हाजिर, होमगार्ड गिरफ्तार, आरोपी सिपाही अब भी फरार। यूपी पुलिस भर्ती में दरोगा और एसआई के 9534 पदों की भर्ती पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई आगे। ताजनगरी की बिगड़ी आबोहवा, देश का 5वां प्रदूषित शहर रहा आगरा, धुंध में गायब हुआ ताजमहल। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस की पहचान के लिए जिला अस्पतालों में चलेंगी ओपीडी। यूपी में छोटे बच्चों के अभिभावकों को टीकाकरण में प्राथमिकता, स्पेशल बूथ बनाने के निर्देश। मेरठ मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही, वार्ड से फरार हुआ कोरोना संक्रमित। नारदा केस में टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई की सुनवाई टालने की मांग। मौसम विभाग ने यूपी के 27 जिलों में दी तूफान की चेतावनी, सभी डीएम को जरूरी तैयारियां करने के निर्देश। विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे न्यूयॉर्क, वैक्सीन की खरीद समेत अन्य जरूरी मुद्दों पर होगी चर्चा। लगातार बढ़ते रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, कोरोना काल के 17 महीनों में 20 रुपए बढ़ा है पेट्रोल और डीजल। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार से एक बार फिर बातचीत करने को तैयार है किसान नेता राकेश टिकैत। केरल की यानी जेरोम बनी राज्य की पहली कॉमर्शियल पायलट, कांग्रेस नेता समेत तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने दी बधाई। कोवैक्सीन टीके का लगेगा तीसरा डोज, बूस्टर का क्लिनिकल ट्रायल होने जा रहा शुरू। कोरोना के हालात पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। साइक्लोन यास से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। झारखंड में कोविड ड्यूटी में लगे शिक्षकों की सीएम को चिट्ठी, फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग। हरियाणा के हिसार में आज किसानों का प्रदर्शन, 3000 जवानों की तैनाती। इस वक्त के लिए इतना ही, ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेएमडी खबर।